हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा फ्रेशर के लिए निकाली गई है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बात की जाए कि कौन कौन सा पोजीशन आपका रहने वाला है, तो यहाँ पे टेक्नीशियन का पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए टेक्नीशियन का पोजीशन रहेगा, जिन्होंने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा, जिन्होंने यहाँ पे बीटेक कर रखा है उनके लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए सेफ्टी इंजीनियर का भी पोजीशन रहेगा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और आपको नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट जो रहते हैं उसके अंदर भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि नॉन टेक्निकल के अंदर अगर आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, या फिर अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी बढ़िया रहेगी, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए, मोटा मोटा बता देता हूँ, आईटीआई की है आप एलिजिबल हैं, और आईटीआई के अंदर भी लगभग सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लगभग सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाती है। बीटेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है जैसे कि आपने बीए बीकॉम या फिर बीएससी कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल की पोजीशन के लिए आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए यहां पे टेक्निकल का पोजीशन देखने को मिल जाता है। तो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो। इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट रहेगा आपका 1200 प्लस आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने एग्जैक्टली कर क्या रखा है और आप अभी कौन सी जॉब यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो आप अभी ये देख रहे हो उस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बेसिकली ये एक टेंडर जारी किया गया है, एग्जामिनेशन टेंडर जारी किया गया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसका फुल नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मई के महीने के अंदर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, इसमें पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी और आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप की पोजीशन देखने को मिल जाती है। पहला जो पोजीशन आपको रहता है वो आपका रहता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के अंदर देखने को मिलता है, दूसरा आपका रहता है यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी देखने को मिलता है। तो पहला यहाँ पे दे रखा है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है जिसमें आपका रहेगा ट्रेड क्या रहेगा और डिसिप्लिन क्या रहेगा उसके बारे में बता रखा है, और आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो आपका पहला पोजीशन रहेगा वो आईटीआई वालों के लिए निकाला गया, तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है एनसीबीटी से या फिर एससीबीटी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। पोजीशन आपका रहेगा टेक्नीशियन ट्रेनी का, और लगभग सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपने फिटर में आईटीआई की है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिस्ट में कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, टर्नर में कर रखा है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर में आपका आईटीआई है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फाउंड्री मैन के अंदर है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, टूल एंड डाई मेकिंग के अंदर है इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्गर एंड हीट के अंदर है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, मिलर के अंदर है या फिर आपका ग्राइंडर के अंदर है, पेंटर के अंदर है, प्रोसेस मैकेनिक के अंदर है, बॉयलर ऑपरेटर के अंदर है, कारपेंटर के अंदर है, या फिर अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लेटर के अंदर कर रखा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कर रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे ईटीसी दे रखा है, तो और भी बहुत सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपने आईटीआई किसी भी ट्रेड में कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ऑल ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ट्रेनी के पोजीशन के लिए। और आपको नाम से पता चल रहा है कि जो ट्रेनी का पोजीशन रहता है उसके अंदर फ्रेशर एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा
वो आपको देखने को मिलेगा। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा, साथ ही साथ अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। ब्रांचेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। और भी ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहेगी, यहाँ पे ETC मेंशन कर रखा है, तो इसके अलावा और भी ब्रांचेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहेगा, कमर्शियल रहेगा, ऑफिस का रहेगा, अकाउंटेंट का रहेगा, अकाउंटेंट ट्रेनी का, जिसमें बीकॉम वाले एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स का रहेगा, ड्रेसर का रहेगा, फार्मिस्ट का रहेगा और अदर पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने BSc कर रखा है, BA बीकॉम कर रखा है तो आपके लिए पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है BA कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, BSc कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रखा है, MBA कर रखा है, तो ये सारी पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और फायरमैन का वैकेंसी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे निकाला गया है। अब बात की जाए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी के बारे में, जैसे कि अगर आपने इंजीनियरिंग का डिग्री कर रखा है, BBTech कर रखा है, आपके लिए भी वैकेंसी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, सिक्योरिटी ऑफिसर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, मैनेजर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है और भी बहुत सारी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, तो अगर आपने डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। MBBS कर रखा है, MS का कोई कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। एक्स सर्विसमैन का भी वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, तो अगर आप में से कोई मेरा भाई बहन एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिल जाएगा और डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। इसका फुल नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर दिया जाएगा, जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आउट किया जाता है तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी अप्लाई का वीडियो भी बना दूंगा इससे रिलेटेड। और अगर आपको जानना है कि इसका यहाँ पे सिलेबस क्या है या फिर इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो उसके लिए अगर आपको जानना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको टोटली उसका पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता रहता हूं। आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा जो कि आप कमेंट करके बताओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।